फरीदाबाद में एक दिन पहले प्रेमिका की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या करने के आरोपी ने आज जिला अदालत की छठवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। हालांकि घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। पुलिस अब इस मामले में न्यायिक जांच की बात कह रही है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब महेंद्र नाम के युवक ने अदालत की छठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। दरअसल महेंद्र को अपनी प्रेमिका रोशनी की हत्या के मामले में गिरफ्तार कर फरीदाबाद जिला अदालत में पेश करने के लिए लाया गया था। महेंद्र ने मौका देखते ही पुलिस गिरफ्त से छूटते हुए छठी मंजिल से छलांग लगा दी, जिसके बाद तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। ये जी ऊपर से मैं फर्स्ट फ्लोर से आ रहा था, एकदम से नीचे आवाज़ आई कि कुछ गिरा है। मैं वहाँ से भागा, मैंने देखा तो बंदा यहाँ पर नीचे गिरा पड़ा था। ये रोड वोड भी मुड़ गई सारी, फिर उसको उठाया जब तक वो जीवित था। फिर उसको यहाँ से उठा के हमने थोड़ा साइड में रखा कि थोड़ी सांस वास ले। फिर पुलिस वाले आए, फिर यहाँ से उठा के फिर उसको एम्बुलेंस में बिठा के ले गए। तो कौन था कुछ जानकारी है? ये कोई जानकारी नहीं है कौन था क्या था, पर इतना पता कि उस किसी केस में आया था वो, जिससे ऊपर से वो कूदा है। कौन सी मंजिल से कूदा? फोर्थ फ्लोर से बता रहे हैं कि फोर्थ फ्लोर से कूदा, सिक्स फ्लोर से, सिक्स से कूदा। कोई फोर्थ बता रहा है कोई सिक्स्थ है, हम फर्स्ट फ्लोर पे थे, हमने फर्स्ट फ्लोर से देखा उसे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल एक युवती की बहुत ही निर्मम तरीके से, बेदर्दी से इस आरोपी महेंद्र ने उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज करके हत्या का और आरोपी की तलाश की गई थी। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए मात्र इसको 24 घंटे से पहले ही आरोपी को अरेस्ट कर लिया था, जिसका आज बीके में मेडिकल करा के और माननीय गगनदीप गोयल जी की अदालत में पेश किया गया था। जब आरोपी अदालत में खड़ा था रूम में, तो अचानक से ये दौड़कर दरवाजे के रास्ते से और बाहर छलांग लगा दी, और जिसके पीछे मुलाजिम भी दौड़े इसको बचाने के लिए, वो भी गिर जाते, इतनी स्पीड में था ये। और जिसको गिरने से तुरंत इसको हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ पे इसको मृत घोषित कर दिया गया है। और इसमें पुलिस की तरफ से रिक्वेस्ट की गई है मजिस्ट्रियल जांच की, न्यायिक जांच की जाएगी इसमें। और लेकिन ये जो आरोपी था महेंद्र, ये 23 सेक्टर 23 का रहने वाला था, 31 वर्षीय, और इसने इस लड़की को जो कल मारा था, ये लड़की के साथ ही दोस्ती में था और लड़की अब इससे बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए इसने इसको मार दिया। और ये आरोपी का खुद की पत्नी से भी तलाक का मामला चल रहा था, तो इस तरह करके इसने बहुत ही निर्दयता से लड़की को मारा था। पुलिस कस्टडी में महेंद्र ने पुलिस को रोशनी की हत्या के पीछे की वजह भी बताई। महेंद्र ने बताया कि रोशनी कुछ महीनों से उससे बात नहीं कर रही थी, इसी बात से वो गुस्सा था और उसने बहाने से रोशनी को अपने घर बुलाया और उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद शोर सुनकर पड़ोस में हलचल हुई तो वो रोशनी को घर से निकालकर सुनसान जगह पर ले गया और उस पर ताबड़तोड़ वार किए, जिसमें रोशनी बुरी तरह घायल हो गई थी। पूरी रात रोशनी गंभीर रूप से घायल हालत में वहीं पड़ी रही। सुबह किसी राहगीर की मदद से उसने अपने भाई को फोन कर बुलाया और अपनी हालत के जिम्मेदार महेंद्र को बताया था, जिसके बाद पुलिस ने महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया था। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।